नजर में। नजर आमने सामने में आपकी मुलाकात होने जा रही है सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज जी से। आज के इस एपिसोड में हमारा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार को लेकर। तो आइए नजर आमने सामने में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं नजर आमने सामने में। प्रवीण जी, हमारे नज़र प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज हमने आपको नज़र प्रोग्राम में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बुलाया है। तो आप, जैसे कि आप रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं और मैं भी रेवाड़ी जिले से हूं, तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने देखा है कि जितना भ्रष्टाचार हमारे रेवाड़ी शहर में है, शायद इतना हरियाणा के किसी और शहर में नहीं है। तो इसके पीछे आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? करप्शन आज भारत देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको हम स्पष्ट रूप में भ्रष्टाचार कह सकते हैं। भ्रष्टाचार का जब बात आती है तो हम कहते हैं कि देश को चलाने वाले चार सिस्टम होते हैं, जिसमें चतुर्थ स्तंभ का नाम हमने मीडिया को दिया है। अगर नेता गलत कर रहा है, अफसर गलत कर रहा है या अन्य कोई कर्मचारी गलत कर रहा है, तो मीडिया उसको एक्सपोज करता है और उसके बेस पे फिर वो काम में सुधार आता है, वो बात पब्लिक तक जाती है, प्रशासन तक जाती है, उसमें एक्शन होता है। यानी आपके कहने का तात्पर्य यह, जब भ्रष्ट हुए, जब व्यक्ति चार बना शब्द भ्रष्टाचार, यानी चार पी को लेके, एक पी तो प्रेस हो गई, एक पी पब्लिक हो गई, एक पी प्रशासन हो गया और एक पी पुलिस को कम काउंट कर लेते, वो एक पी वो हो गया। जी जी, तो इसमें चौथा स्तंभ जिसको आप मानते हैं वो प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के अंदर जाम करते हैं प्रेस। प्रेस में हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे बलिदानी और ऐसे ऐसे अच्छे जर्नलिस्ट हुए हैं, बड़े ही महान पत्रकार हुए हैं, जिन्होंने मीडिया का नाम ऊंचाइयों तक लेके गए और हिंदुस्तान में तरक्की में भी उन्होंने काफी अपना अच्छा योगदान दिया। लेकिन अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि रेवाड़ी जिले में खासकर मीडिया की एवज में, पत्रकारिता की एवज में एक दूसरे को ब्लैकमेल करना, पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल करना, सोशल वर्कर्स को ब्लैकमेल करना, पुलिस को ब्लैकमेल करना या प्रशासन को ब्लैकमेल करना, उसका सीधा सीधा मकसद क्या है? सीधा सीधा मकसद उसका यही है कि अपने गैर कानूनी कामों को प्रशासन की नाक के तले करना और प्रशासन उस पर कुछ भी ऑब्जेक्शन ना कर पाए, उसके लिए उसकी कमजोरियों को टटोलना और प्रशासन को भी ब्लैकमेल और गुमराह करना। लेकिन अगर प्रशासन अगर सही है, उसकी कोई कमजोरियां नहीं है, तो फिर उसको झुकने का कोई कारण हो ही नहीं सकता। हाँ, तो बात आपकी जायज है और एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान में कि राय का पहाड़ बनता है, अगर राय नहीं होगी तो पहाड़ नहीं बनेगा। हम नहीं कह सकते कि प्रशासन, पुलिस या प्रेस या अन्य सिस्टम में कहीं भी इंसान 100% सही हो सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ इंसान होगा, मनुष्य होगा, वो इंसान है, भगवान नहीं है, गलती का पुतला होता है, कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी चूक हो जाती है और उसी चूक को, जो जाने अनजाने में हुई हो, उसी को इश्यू बनाकर कुछ पत्रकार भाई हमारे जो निजी स्वार्थ के लिए अपना इशू बनाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी की मजबूरी में किसी की मदद कर रहा है, उसका नेगेटिव बनाएंगे, बोले ये ड्यूटी छोड़ के देखो ये क्या काम करने लग रहा है। अरे वो ड्यूटी ही कर रहा है, लेकिन वो समाज की ड्यूटी कर रहा है, वैसे भी वो समाज की कर रहा है, लेकिन उसको गुमराह करने के लिए, उस प्रशासनिक अधिकारी को टॉर्चर करने के लिए, उसको
ब्लैकमेल करने के इरादे से वो शो करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि नेशनल लेवल का अखबार जिसको हम दैनिक भास्कर के नाम से जानते हैं, नेशनल लेवल के पत्रकार का ब्यूरो चीफ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि रेवाड़ी जिला उससे मुखातिब हो चुका है, करप्शन के उस पर चार्जेस लगे, जिला प्रशासन को शिकायत भेजी गई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को भी उसकी शिकायत गई और उसके एवज में प्रशासन ने इंक्वायरी भी उस पर बैठाई। माननीय पूर्व जिला उपायुक्त श्री पंकज जी के आदेश पर एडीसी महोदय को जांच सौंपी गई और उस जांच के दौरान में लगभग 7 से 8 महीने निकल जाने के बावजूद जिस पत्रकार पर आरोप लगे, जिस पर एलिगेशंस लगे, जिसके खिलाफ सबूत दिए गए, उसने अपने बचाव पक्ष में कोई भी दलील जिला उप उपायुक्त को नहीं दी और ना ही एक भी हाजिरी पे आया। तो ये सीधा सा कारण है कहीं ना कहीं कि 8 महीने जिस भ्रष्टाचारी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है वो एक बार भी हाजिरी पे नहीं जाता है, एक बार भी अपने पक्ष में कोई बचाव पेश नहीं करता है, उसके बावजूद उस पर ना कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है, जो FIR उस पर या उस पर गिरोह पे लगी हुई है उन FIR में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमजोरी को इस पत्रकार ने पकड़ा हुआ है, जिसके चलते प्रशासन दब रहा है, करप्शन बढ़ रहा है और रात और दिन लगाम लगाने के बावजूद ऐसे बहुत से अवैध और गैर कानूनी काम हो रहे हैं जो प्रशासन की नाक के नीचे हैं, लेकिन प्रशासन चाहकर भी उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। अभी RTA का एक मुद्दा चला हुआ है क्योंकि जो शिकायत भेजी गई पत्रकारों के खिलाफ उसके नजरे में दैनिक भास्कर ने उसको अपने सभी पदों से हटा दिया, यानी कि उसको ब्यूरो चीफ के पद से निकाल दिया गया, लेकिन उसने जबकि उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है उसके बावजूद उसने एक नई दुकान खोली, यानी कि एक नया पेपर लॉन्च किया। अब उसके माध्यम से उसने फिर वही रवैया अपना लिया। अभी जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी कोई पुलिस अधीक्षक या SP किसी शहर में आता है, नया नया आता है, तो बड़े धूम धड़ाके के साथ उसकी एक्टिविटी तेज हो जाती है, कहीं शराब के ट्रक पकड़े गए, कहीं कुछ स्पा सेंटर बंद कराए गए, इस तरह की बहुत तगड़ी एक्टिविटी होती है। लेकिन जब वो SP 2-2.5 महीने में पुराना हो जाता है उसके बाद इस तरह की कोई एक्टिविटीज एकदम रुक सी जाती है। जैसे मान लो कि अभी गौ रक्षा के अभियान को हम ले लेते हैं, डेली आए दिन शराब भी पकड़ी जा रही है और जो गौ तस्कर है वो भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा आभास होता है कि भाई 4 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, फिर वही पुराना रूटीन चल जाता है। इसके पीछे आप कारण किसको मानते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नया पुलिस अधीक्षक आता है तो अपना दबदबा बनाने के लिए वो मतलब ऐसी कार्रवाई करते हैं कि आम जन के अंदर उनके प्रति विश्वास बढ़ता है, और इसमें कोई दोहराया नहीं है कि जो हमारे अभी जो पुलिस अधीक्षक आए हैं राजेश मुगल जी, इन्होंने प्रशासनिक सिस्टम में बहुत अच्छे काम किए हैं और कर रहे हैं। भविष्य क्या होगा इसका तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि तो परमात्मा के अधीन होता है, भगवान इसको मान सकता है, हम नहीं कह सकते भविष्य क्या हो, भविष्य में क्या कार्रवाई हो, क्योंकि ये क्लियर है कि जब कोई भी अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करता है तो उसको इनाम में उसको तबादला ही मिलता है, और जो इंसान तबादले से डरता है वो अपनी इंक्वायरी को कार्रवाई को रोक देता है, जो तबादले की परवाह नहीं करता है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे उसमें कोई नेता इंक्लूड हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई आम प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे आम जनता हो, वो सभी को एक लाइन में लेके चलता है और सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार में उसी हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहें कि हमारे जो अधीक्षक आते हैं वो शुरुआत में सही काम करते हैं लेकिन बाद में नहीं कर पाते, उसमें एक कारण ये होता है क्राइम पे कुछ हद तक कंट्रोल होता है, कुछ हद तक कंट्रोल ये हो जाता है क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी डाउन कर देते हैं। सेकेंडली अधीक्षक क्या कर रहे हैं, अधीक्षक के पास जब बात पहुँचती है तो वो उस पर कार्रवाई करें ना, निचले स्तर पर जो चौकी थानों में हमारे बैठे हैं उसमें भी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि उन फाइलों को वहीं सुलटा देते हैं, और कुल मिला के वो मुद्दे जो गर्म मुद्दे होते हैं जिन पे कार्रवाई की आवश्यकता होती है वो कार्रवाई नहीं हो पाती है, और जिसके चलते भविष्य में वो बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। इसी तरह की हम बात लें तो नगर परिषद का जो अभियान होता है वो भी इसी तरह से होता है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानों के आगे से वो रेहड़ियाँ हटाई जाती है, लेकिन फिर देखा तो 10-15 दिन बाद चाहे सब्जी मंडी हो चाहे घंटेश्वर मंदिर हो वो वैसा का वैसे ही होता है। उसके पीछे क्या कारण है कि नगर परिषद एक बार जोश दिखा के फिर उनको ढील दे देती है? ये सारी चीजें अभी पीछे भी अखबारों में छाई रही है, नगर परिषद के घोटाले, कारनामे, XYZ, ये सारी चीजें एक्सपोज होती रहती है मीडिया के माध्यम से, लेकिन चीजें वही है, सारी बातें घूम फिर के वही आएंगी। हमारा जो जर्नलिज्म है, चौथा जो स्तंभ है, उसमें कुछ भ्रष्ट पत्रकार अपने निजी स्वार्थ के लिए मुद्दों को ब्लैकमेल करने के काम लेते हैं,
मुद्दा डाला, नगर परिषद वालों ने कार्रवाई नहीं कर रही, अतिक्रमण हो रखा है। पेपर में जो चाहे दो दिन पर लगातार आती है, अतिक्रमण हटाया जाता है, कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन क्योंकि नगर परिषद के पास भी कुछ अपने राइट्स होते हैं, वो अपने कुछ उनके अधिकार क्षेत्र हैं, उनके ऊपर भी किसी का ऑर्डर चलता है, चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स हो, चाहे एमएलए हो, चाहे नेता हो, हर इंसान को अपनी सीट की परवाह है, कोई भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता और साफ सुथरा सभी को चाहिए। तो कुल मिला के वो ये कहते हैं कि वो पत्रकार नगर परिषद अधिकारियों से मोटी रिश्वत ले लेते हैं और वो उस न्यूज़ को नहीं लगाते हैं। जब न्यूज़ पेपर में नहीं आएगी तो जनता में नहीं जाएगी, जनता में नहीं जाएगी तो उसका हाहाकार नहीं मचेगा, और हाहाकार नहीं मचेगा तो जो सिस्टम है वो ऐसे का वैसा चलता रहेगा। आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे ही रेवाड़ी जिले में कभी कोई पुलिस अधीक्षक आता है या डीसी आते हैं, नए आते हैं, तो एक हमारा समाज, जो समाज कह लो या कुछ लोग, वो हमेशा उनसे फोटो खिंचवाने के लिए हमेशा उनके आगे आ जाते हैं कि भाई कोई नया एसपी आया तो गुलदस्ता लेके पहुंच गए, और फिर नया डीसी आया तो गुलदस्ता लेके पहुंच गए। तो इसको क्या भ्रष्टाचार का कारण नहीं मानते कि अपनी जान पहचान बनाने में आगे आते हैं, उसके बाद ताकि अपना वो उल्लू सीधा कर सके? आपकी बात से सहमत है, लेकिन इसमें हमें सभी को भ्रष्टाचार के साथ नहीं जोड़ सकते। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ऐसे बंदे हैं जो अपनी एक जान पहचान बना के ना अपने जो इलीगल्स काम होते हैं, गैर कानूनी काम होते हैं, या फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको उनको अप्रोच की आवश्यकता होती है, उस चीज़ का प्रभाव बढ़ाने के लिए पहचान भी बढ़ाते हैं, चाहे नया एसपी आए, चाहे डीडीसी आए, या एडीसी आए, वो उनका संपर्क का तालमेल ये बन जाता है कि जो शुरुआत में जो उनके संपर्क बन जाते हैं उसके एवज में वो ऐसे ऐसे काम करवा लेते हैं जिसका प्रशासन को ये अनुमान तक नहीं होता कि इससे प्रशासन को या आम जनता को कितना नुकसान हो रहा होगा या कितना इसका फायदा हो रहा होगा। इस चीज़ों से मतलब अनभिज्ञ होते हुए प्रशासनिक अधिकारी उनकी मदद करते हैं। पीछे मेरे पास एक मुद्दा आया है NIC का। NIC यानी कि जो अपने ADC ऑफिस में RTO डिपार्टमेंट में कार्यरत है एक रजनी गुप्ता नाम की महिला, अभी मेरे पास उसकी RTI की कॉपी आई तो उसमें सीधा लिखा गया है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस के तहत उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई। क्लियर बात है कि ये उठा बैठा नजारा था। इसका एक बहनों ही है जिसका नाम है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उसने अपने निजी तालमेल से जो अधिकारियों से रहे उसके तहत उसने उसको ज्वाइन करवा दिया। अरे हक की रोटी, आपका परिवार, आपके घर में बच्चे बैठे वो भूखे हैं और आप मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल वालों को खाना खिलाने चल रहे हो, पहले हरियाणा वाला का तो पेट भरो भैया, पहले रेवाड़ी जिले का तो उद्धार हो उसके बाद दूसरे जिले का नंबर आए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंजाब की एक लड़की को यहाँ पर NIC में ड्यूटी ऑपरेटर की दे दी गई जो पिछले काफ़ी लंबे समय से वो करती आ रही है, लेकिन उसमें बार बार करप्शन के चार्जर लग रहे हैं, बार बार उसमें मुद्दे लग रहे हैं, बार बार RTI लग रही है, फिर भी उसको उस नौकरी से नहीं हटाया जा रहा। क्योंकि आप देख रहे हो कोई पुलिस कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, कोई अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन एक डीसी रेट पे लगे हुए कच्चे बरतने कर्मचारी जिस पर बार बार करप्शन के आरोप लग रहे हैं, बार बार उसके खिलाफ एफिडेविट दिए जा रहे हैं, बाकायदा आपको देखा नजारा बयान किया जा रहा है, फिर भी उस कर्मचारी को नहीं हटाया जा रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि जो पत्रकार बंधु है, जो उसका बहनों ही है, उसका तालमेल प्रशासन से इस कदर है या इस कदर कुछ भ्रष्ट नेताओं से उसका तालमेल है कि जिसकी एवज में उसका बाल बाका नहीं हो रहा। और करप्शन फ्री गवर्नमेंट, हमारी भाजपा सरकार, हम अगर बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की, जब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, किसी भी अवैध नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो जूनियर छोटे स्तर के जो नेता हैं जो रेवाड़ी में अपना वर्चस्व सा बना के रखना चाहते हैं, अपनी छाप को बनाए रखना चाहते हैं, वो अपने पहचान से, अपनी उठा बैठ से, अपने लेवल, अपने ओहदे से प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और ऐसे भ्रष्ट आदमियों को बचाने का काम। यदि आपको मौका मिले इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा करने की, तो क्या आप सड़क पर उतरेंगे? जनता का सहयोग मिला और समर्थन मिला तो मैं बिल्कुल जनता के साथ हूँ, रेवाड़ी की जनता के साथ हूँ, हरियाणा की जनता के साथ हूँ। करप्शन फ्री इंडिया, करप्शन फ्री हरियाणा, करप्शन फ्री रेवाड़ी, ये हमारा मेन लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। लेकिन हकीकत यह है कि जब भी कोई करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे, गलत के खिलाफ आवाज उठाता है तो लोग एक और एक ग्यारह नहीं होते हैं, एक की ही कटाक्ष करने वाले 10 मिल जाएंगे आपको, क्योंकि करप्शन करने वाला बहुत मजबूत हो रहे हैं और जो आवाज उठाने वाला है उनको दबा दिया जाता है, झूठे केस लगाकर, झूठे आरोप लगाकर और मनगढ़ंत झूठी खबरें छापकर। तो आपका, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
और आशा करते हैं कि आप अपनी सुबह उस पर इरादों पर खड़े उतरें आपका नजर में आने के लिए धन्यवाद। मैं एसएसके ग्रुप नज़र चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, हमारे विचारों को उन्होंने नोट किया और आम जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।